तो सबसे पहले स्टार्ट मेनू पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे टाइप करिएगा PAINT, पेंट को टाइप करिएगा और यहाँ पे पेंट आ जाएगा। इसके बाद इस पर क्लिक करिएगा माउस से, यहाँ ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये जो है ऑप्शन है वायल करके, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ से ये गोला बना लीजिएगा। बाहर एक बार जरूर क्लिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए मैं छोटा सा बना लेता हूँ। फिर एक छोटा सा आप यहाँ राइट साइड में बना लीजिएगा इसी प्रकार से आग की तरह। हमने ये दो ठो बना लिया। उसके बाद यहाँ पे लेंगे जो है ये नोज बनाने के लिए कर्वों पर, इस पर क्लिक करेंगे और इसको ऐसे सीधा लाइन खींचेंगे। देखिए यहाँ तक खींचिएगा। फिर इसको आप यहाँ एकदम नीचे से पकड़ के, हल्का से ऊपर से पकड़ के इसको आप इधर की तरफ खींचेंगे तो ये देखिए ऐसे हो जाएगा। अब हम किसी दूसरे शेप पर क्लिक करेंगे, क्योंकि इस पर नहीं क्लिक करेंगे नहीं तो ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि ये 3 बार आपको कर्व करने का ऑप्शन देता है। हम किसी दूसरे शेप पर क्लिक करेंगे, फिर इसी कर्व पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके नीचे से जो है एक सीधी लाइन इसे खींच देंगे। देखिए यहाँ से खींचेंगे और यहाँ से देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, देखिए इस प्रकार से। और एक दोबारा फिर दूसरे शेप पर क्लिक करेंगे, फिर इसी कर्व पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक नीचे से एक बार और पकड़ेंगे, ऐसे मिलाएंगे और इसको हल्का से नीचे की तरफ खींच देंगे। तो आप देख सकते हैं ये काफी अच्छा सा जो है मुंह बन चुका है इसका। अब इसके बाद इसमें हम कलर भरेंगे। देखिए यहाँ पे जाइएगा जो है फिल विथ कलर पे, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ से जैसे रेड सेलेक्ट कर लिया, या ग्रीन ले लीजिएगा, मैंने ग्रीन ले लिया। देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे ले आके फिल कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से दिख रहा है। अब इसको हमको सांप की तरह बनाने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट पे जाना है। जब ये बन जाएगा, सेलेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा चारों तरफ से। मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक सेलेक्ट का ऑप्शन है, जिसपे मैंने सेलेक्ट किया था, इसी के नीचे एक बिंदी है ब्लैक कलर का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जो है सबसे लास्ट में ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, इस पर क्लिक करिएगा तो ये जो है ये क्या होगा बैकग्राउंड कलर ये छोड़ देगा और ये सेलेक्ट रहने दीजिएगा। उसके बाद जो है इस पर आपको बीच में ले जाना है कर्सर को, जब चारों तरफ तीर का निशान बनेगा। फिर अपने कीबोर्ड से पहले शिफ्ट बटन दबा लेना है, शिफ्ट बटन दबाए रहिएगा, छोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन दबा लेना है, उसको भी नहीं छोड़ना है। फिर इसको आप जिधर घुमाएंगे उधर ये बनता जाएगा सांप की तरह। देखिए मैं इसको ले जा रहा हूँ राइट की तरफ, तो आप देख सकते हैं जो है ये इस प्रकार से बन रहा है। इसको आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। इस प्रकार से देखिए मैंने ये बना दिया। यदि आप जिस प्रकार से चाहते हैं बना सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड करके दोबारा दिखा देता हूँ। ये बना लेंगे आप। बनाने के बाद आपको पहले सेलेक्ट पे जाना है, ये चारों तरफ से इसको पहले सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ सेलेक्ट पे जाइएगा और यहाँ पे जो है ट्रांसपेरेंट ऑप्शन है एक सिलेक्शन, इस पर क्लिक करिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये टिक है अभी। फिर आप जाइएगा इस शेप पर, इसको बीचों बीच जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए चारों तरफ तीर का निशान बनेगा। फिर अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाए रहना है और फिर इसको आप जो है खींच सकते हैं। देखिए मैं इसको राइट तरफ पर ले जाता हूँ, उसके बाद शिफ्ट बटन दबाऊंगा। अब देखिए अब शिफ्ट बटन दबाए रहेंगे और माउस के लेफ्ट बटन को दबा करके इसको हम अपनी तरफ घुमाएंगे। देखिए इस प्रकार से जो है ये बनता जाएगा। तो जैसे आप बनाना चाहते हैं इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो छोटा सा वीडियो था दोस्तों आप लोगों के मनोरंजन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बनाना चाहते हैं। मैंने एकदम सिंपल वे में आपको बता दिया। यदि आप इसको दोबारा देखेंगे, 2-3 मिनट का वीडियो है, आप इसको जरूर समझ पाएंगे। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।